नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज रहने वाला है। जहांगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। जहां आपको बता दें कि जहांगीर चांपा विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ ग्रामीणों और विभिन्न संगठन के प्रतिनिधिमंडलों से चर्चा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तो वहीं 11:45 में पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से रवाना होंगे और 12:25 पर आपको बता दें कि राछाभाट गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और 12:30 आपको बता दें कि जहांगीर चांपा में यहां पर कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो जहांगीर चांपा में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बताया जा रहा है कि लोगों की समस्याएं भी आज वो सुनेंगे। तो ठीक 11:45 पर राजाभाट गांव के लिए वो वहां से पहुंचेंगे। जहांगीर चांपा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां जहांगीर चांपा में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम का रुख करते हैं। शिवम, जहांगीर चांपा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बताया जा रहा है भेंट मुलाकात कार्यक्रम है ये, जहां लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे मुख्यमंत्री। सबसे पहले तो आज का उनका पूरा शेड्यूल क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर जिले के कार्यक्रम में रहने वाले हैं और इस दौरान वहां पर अपना भेंट मुलाकात कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 11:45 पर रायपुर से रवाना होंगे और वहाँ करीबन 12:30 ग्राम राछाभाटा नवागढ़ विधानसभा पहुँचेंगे और वहाँ पर स्थानीय लोगों से, किसानों से, ग्रामीणों से और अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों के लोगों से जो है मुलाकात करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी समस्याओं से सीधे रूबरू होंगे और इसके साथ ही राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएँ चल रही हैं उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर आकलन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीबन 3:00 के आसपास ग्राम सिवनी नैला जांजगीर जिले के विधानसभा पर रहेंगे और वहां पर भी लोगों से मुलाकात करेंगे। तो निश्चित ही अहम दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जांजगीर जिले का दौरा और ये दूसरी बार जांजगीर जिले के कार्यक्रम में पहुंच रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम रख रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में रहेंगे और आज इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 2 अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार करते हुए हिमाचल चुनाव में जीत का दावा किया है। वहीं आदिवासी आरक्षण के लिए बीजेपी को कटघरे में भी खड़ा किया है और आदिवासी हितों पे कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। 20% उसे 32% कब किए? सरकार बने 8 साल होने के बाद 2012 में और ठीक से तथ्य नहीं रखे। ननकी राम कंवर रिपोर्ट है, उसको भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। इसका दोषी कौन है? अजय चंद्राकर उस मंत्रिमंडल में थे, क्यों नहीं रखवाए? और दूसरी बात ये है कि हम आदिवासी हितों के बारे में पहले ही बोले हैं कि उनका जितना प्रतिशत है, जितनी जनसंख्या है, जितना संविधान में उसको अधिकार मिला है, वो मिल के रहेगा। रमन सिंह जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से कम समय में उसका, उसकी जो संपत्ति, उसके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ा, उसका जवाब दे। दूसरी बात ये है कि गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट है उत्तराखंड में, वो किसका है वो बताएं। और
नान घोटाले में जो कहते हैं को सीएम जो है वो चिंतामणि है, तो सीएम मैडम कौन है? और यदि चिंतामणि है तो रमन सिंह ये बताए कि उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? यदि सीएम सर का अर्थ चिंतामणि है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? और उसके नाम से न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है? चीट फंड कंपनी में जो घोटाले हुए लगभग अब 6,500 करोड़ का है, और लगातार रमन सिंह, उसके बेटे, उसकी पत्नी, सभी लोग कार्यालय का उद्घाटन करते रहे। जो संवैधानिक पदों में बैठे रहे वो लोग भी रोजगार मेला लगा के एजेंटों को सर्टिफिकेट बांटते रहे, और जो कार्यालय बंद हो गए थे उसको फिर से शुरू क्यों करवाया गया? जब हजारों करोड़ की लूट वैसी हो चुकी थी और कार्यालय बंद हो गए थे, उन जिलों में फिर से शुरू क्यों करवाया गया? रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा, अभी जिस प्रकार से संजय राउत सांसद शिवसेना के मामले में ये बात आया कि जो बात देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी वही आरोप ईडी ने उस पर लगाए, और यहाँ भी आप देखेंगे रमन सिंह का बयान पहले आता है और ईडी का प्रेस विज्ञप्ति बाद में आता है, जिसके बारे में हमारे मीडिया के जो प्रमुख है, संचार विभाग के प्रमुख है, उन्होंने ये बात उस समय भी लगाया था, चुप हो गए थे। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और ईडी कनेक्शन क्या है? कल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रमन सिंह जी पूछ लीजिए, गर्भाशय कांड का क्या हुआ, अखोड़वा कांड का क्या हुआ, जो नसबंदी कांड का क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा पूछ लीजिए, मीना खलको के बारे में क्या हुआ इसके बारे में पूछ लीजिए, तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। ये किसी क्षेत्र में दंतेवाड़ा से लेकर मरवाही तक खैरागढ़ चुनाव में इसकी क्या स्थिति थी सबने देखा। रमन सिंह का घर है खैरागढ़, वहाँ उस बुरी तरह से हारे, आज तक इतना ओर से कभी कोई नहीं जीता था जितने ओर से हम लोग जीते अभी उपचुनाव में। भानु प्रतापपुर विधानसभा हमारी परंपरागत सीट है और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ मतदाता सरकार के कार्यों पर विश्वास व्यक्त करेगी। अभी हिमाचल में आज चुनाव प्रचार सब थम गया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गया है, परसों मतदान होगा, और जिस प्रकार से वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, प्रियंका जी ने जो मेहनत की है उससे लग रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए विशेष सत्र के लिए आपको बता दें कि अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने यह अधिसूचना जारी की है जहां आदिवासी आरक्षण को लेकर के ये विशेष सत्र बुलाया गया है। तो 1 और 2 दिसंबर को आपको बता दें कि विशेष सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा जहां इसके लिए अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है, आदिवासी आरक्षण को लेकर के ये अधिसूचना जारी की गई है, ये विशेष सत्र बुलाया गया है। अगली खबर रायपुर से है जहां आपको बता दें कि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने विभागों के कामकाज की समीक्षा की और पीडब्ल्यूडी धर्मस्व पर्यटन एंड गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली, जहां आपको बता दें कि प्रदेश की खराब सड़कों का मरम्मत और नवीनीकरण कार्य दिसंबर तक पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। जलजमाव से शहरी क्षेत्रों की ज्यादातर सड़कें जो है वो खराब हुई हैं और सिर्फ 433 किलोमीटर की सड़कें ज्यादा खराब है। आपको बता दें कि विश्वास विकास और सुरक्षा की नीति से नक्सल गतिविधियों में भी यहाँ पर कमी आई है। 4 वर्षों में लगभग 1500 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और अब तक चिटफंड के 2.38 लाख प्रकरणों का यहां पर निराकरण किया गया है। त्रामध्वज साहू साइबर अपराधियों से भी 3,86,000 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए हैं।
अगली खबर लेते हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा का एक दिवसीय दौरा किया। मंत्री ने नगर पालिका के 27 वार्डों के 71 परिवारों को आवासीय पट्टा और 6 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की मंजूरी पत्र सौंपा है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, जनता से वादे को हमारी सरकार पूरा कर रही है। और साथ ही नगर पालिका में 13 नए इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को भी यहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं राजनांदगांव में आयोजित किए गए मनोनीत सोसाइटी के अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शामिल हुए। और बता दें कि मंत्री ने रबेली गांव में जिला सहकारी बैंक का भी उद्घाटन किया और साथ ही जिले के कई गांवों में स्कूल भवन के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल किया गया। कार्यभार ग्रहण करा के और आज यहां पट्टा वितरण का कार्यक्रम था तो पट्टा वितरण का कार्य भी सम्पन्न हुआ है। इसके बाद कृषि उपज मंडी में जो कवर्धा समिति है उसके अंतर्गत धान खरीदी केंद्र जो है तो उसकी शुरुआत भी अभी होगी। तो वहीं बिलासपुर में बीजेपी की महतारी हुंकार रैली यहां पर देखने को मिली, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत प्रदेश भर के नेता यहां पर आपको बता दें कि शामिल होंगे। महिला अपराध शराबबंदी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जाएगा, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैली को संबोधित करेंगी। तो वहीं बीजेपी की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन वहां पर नजर बनाए हुए हैं। महतारी रैली यहां पर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर के आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी। तो ये बीजेपी की महतारी हुंकार रैली देखने को मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसमें शामिल होंगी, रैली को संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ महिलाओं की सम्मान सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा बिलासपुर न्यायधानी में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक जन विशाल रैली महतारी हुंकार का आयोजन होने वाला है, जो कि 11/11/22 को होगा, समय 11 बजे बिलासपुर में। खबर बिलासपुर से है, जहां आपको बता दें कि महंगाई पर शालिनी राजपूत का अजीबोगरीब बयान सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं शालिनी राजपूत, जिन्होंने महंगाई को लेकर के अजीबोगरीब बयान दिया है। महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है, शालिनी राजपूत की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा इसलिए अभी हमारा मुद्दा तो मेन है कांग्रेस सरकार को घेरना, ये हमारा बड़ा मुद्दा है। नहीं, जनता से मुद्दा है, जनता का ही मुद्दा है। आपको इतना सारा गिरा दी लाइन से कि इतने सारे मुद्दे हैं। अगर तो कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का बयान सामने निकल कर आ रहा है। खबर रायपुर से, जहां बता दें कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का एक बयान सामने आ रहा है, सभी नक्सली गलत नहीं होते हैं। ये बयान उनके तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुत लोग नक्सलियों के नाम से दुकान चला रहे होते हैं, नक्सली भी इंसान है, हम भी इंसान है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद शांत हो चुका है, हम शांति चाहते हैं। मैं ये कहूँगी कि सारे नक्सलवाद जो है और नक्सली लोग गलत नहीं होते, ख़राब नहीं होते, और बहुत लोगों को मिसयूज़ किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और डर किसका, वो भी व्यक्ति है, हम लोग भी व्यक्ति हैं। उनकी कुछ डिमांड थी और मुझे लगता है कि अब तो बस्तर में और छत्तीसगढ़ में जितना नक्सल प्रभावित एरिया है तकरीबन शांत हो चुका है और आगे भी हम लोग होप रखते हैं। और जो लोग ये भय पैदा करते हैं, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से प्रभावित है या नहीं चाहते हैं कि शांति बहाल हो। हम लोग उन लोगों में हैं जो चाहते हैं शांति बहाल है और रहे। तो रायपुर में आपको बता दें कि नक्सलवाद पर सियासत देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के बयान पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला। कांग्रेस नक्सलियों की संरक्षक है, बीजेपी की तरफ से यह बयान दिया गया है कि कांग्रेस जो है वो नक्सलियों की संरक्षक है। क्या सीएम बघेल रंजन के बयान से सहमत है? इस तरह का सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया है सीएम से। पूरे भारत देश में जहां पर नक्सलवाद में कमी आई है, केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर नक्सलवाद में कमी होने के बजाय लगातार नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
भाजपा शुरू से यह कहते आई है कि कांग्रेस और नक्सलियों की बड़ी साठगांठ है। कांग्रेस के संरक्षण में और उनके पनाह के कारण आज नक्सली पनप रहे हैं। नक्सली हमारे नौजवान सेना के साथियों पर, पुलिस पर बर्बरतापूर्वक हमला करती है। सीधे साधे जो ग्रामीण जन जो बंधु हैं, उनकी नृशंस हत्या करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें, क्या वो रंजीता रंजन जी की बातों से सहमत हैं? और अगर नहीं तो वो उन्हें बहिष्कृत करें, वो उन्हें निष्कासित करें। तो वही भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के सर्व आदिवासी समाज ने एक बैठक बुलाई है और बैठक में 400 से अधिक उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया गया। गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम भानु प्रतापपुर विधानसभा के सभी गांव से प्रत्याशी उतारेंगे, जिससे चुनाव आयोग के सामने ईवीएम में सारे प्रत्याशियों के नाम शामिल कराना मुश्किल होगा। समस्या को लेकर आयोग चुनाव को फिलहाल रोक दे है। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों का लगातार उपेक्षा किया, जिससे आदिवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं विरोध को दर्ज कराने के लिए समाज के पास चुनाव से बेहतर मौका नहीं मिलेगा। उधर सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष सुमेर सिंह ने कहा है कि हम आदिवासी पेशा कानून को पूरी तरह से प्रदेश में लागू करना चाहते हैं और हम इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की मांग करते हुए विरोध करेंगे। जबकि गोंडवाना गोंड महासभा के कांकेर जिला अध्यक्ष मानक दरपट्टी ने यह कहा है कि हम कुल मिलाकर उपचुनाव का विरोध कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है उसके कारण लोगों में थोड़ा अन्याय है, इसी कारण ये हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं, ताकि एक अधिक से अधिक उम्मीदवार खड़े तो चुनाव आयोग भी सोचे कि इतना क्यों हुआ और भारत देश भी सोचे कि इतना विरोध क्यों कर रहा है। इतना भारत देश में संसार में कहीं नहीं हुआ होगा कि 401 पोलिंग बूथ में एक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार उतरे हों। अब हमारे जो रणनीति जो है, हम लोग मेन हमारा रणनीति यह है कि चुनाव भी ना हो। हम उनका बहिष्कार भी नहीं करते कि संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए हम उनका बहिष्कार नहीं करते। चूँकि संवैधानिक व्यवस्था भी बने रहे और हम अपना जो संवैधानिक जो अधिकार है उस हिसाब से हम 400 प्रत्याशी भी खड़े करेंगे। सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि निजी होटल में अचानक आग लगने की घटना सामने निकल कर आ रही है। आग लगने से होटल में हड़कंप मच चुका है। देर रात होटल में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद से यहां पर आग पर काबू पाया गया है। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सूरजपुर से जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां होटल में आग लगने की घटना सामने निकल कर आ रही है। एक निजी होटल में आग लगने की घटना सामने निकल कर आ रही है। हालांकि दमकल विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सूरजपुर में मद्रास कॉफी हाउस एक महासेल की शॉप है, जिसमें लगभग 10-11 बजे के आसपास अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसकी सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर अभी वर्तमान में ये राहत कार्य जारी है, लगभग पूरे उस पर काबू पा लिया गया। रुकिए और आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आईएएस समीर बिश्नोई समेत 4 आरोपियों को एक दिन और जेल में रहना होगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने इन आरोपियों की एक दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी है। ईडी को जवाब पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। कल कोर्ट में फिर इनकी पेशी होगी और आरोपियों की पेशी की जाएगी। आज बहस हुई, आवेदन लगे, नया दृष्टांत दिए गए, उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है कि ईडी ने जवाब के लिए उनके समय मांगा है, उनको 10 दस्तावेज दिए गए हैं, तो उन्होंने समय मांगा था कि जवाब देंगे और बहस करेंगे, तो एक दिन की जुडिशियल रिमांड सब के लिए दी गई है। और ईडी का जो 2 दिन और कस्टोडियल रिमांड सूर्यकांति मांगा गया था उसको निरस्त किया गया है। न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, सच सामने आएगा। मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, राजनीतिक साजिश हो रही है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, सच सामने आएगा। सच सामने आएगा, न्यायपालिका पर विश्वास रखिए।
तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसान जोड़ो सम्मान यात्रा की शुरुआत की है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की राज्य सरकार के 36 वादों और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम किसान तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाल जी खेरा जी के निर्देशन अनुसार और राहुल गांधी जी को जो भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ किसान जोड़ो सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की 36 योजनाओं को प्रमुखता जो किसान से संबंधित है इनको जन जन तक गांव गांव पहुंचाने काम करेंगे और सभी जिला सभी विधानसभा तक जाने की इसको कोशिश करेंगे, यही हम लोग उद्देश्य है। हमारा किसान कांग्रेस जो है वो मूल रूप से किसानों के लिए किसानों के हितार्थ काम करता है। तो हमारे राजीव जी की तर्ज पर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके तर्ज पर हमारी छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने किसान जोड़ो यात्रा निकाली है। ये पूरे 3600 किलोमीटर चलेगी छत्तीसगढ़ के हिसाब से। 36 रथ वहाँ से रवाना हुए, एक मुख्य रथ है जो पूरे आपके जो 90 विधानसभाएं हैं सारी विधानसभाओं को कवर करते हुए चलेगी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देख रही है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।